हेलो दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं इसमें लूसेंट्स से 1000 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जीएस के ठीक है। इस लेक्चर में हम दो पार्टों में ये लेक्चर बनाएंगे। इसमें एक पार्ट में रहेंगे 500, दूसरे पार्ट में 500 रहेंगे। ठीक, पहला पार्ट शुरू करते हैं। भगवान बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो असम का है। विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश ने किया, तो चीन ने। गौतम बौद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। पोगल तमिलनाडु का राज्य का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बियर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गलफड़ों की। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। जलियावाग बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में अमृतसर में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, संगठन की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू हैं। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली भारत महिला हैं संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो राजा राम मोहन राय द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है स्वामी विवेकानंद ने। बास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। बास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का। हवा महल है जयपुर में। अगला 34, सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक है। सिखों का प्रमुख त्योहार है वैसाखी। लोहे पुरुष सरदार पटेल को बोला जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है विजय घाट में। महाभारत की रचयिता है महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र पुस्तक जो लिखी है वो चाणक्य ने, कौटिल्य ने लिखी। जय जवान जय किसान जय का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले। संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। भारत का राष्ट्रगान लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत लिखा है वंदे मातरम में। भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला है, कहा गया है सब नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था सबसे पहले। हमारा राष्ट्रीय पंचांग है संबत। राष्ट्रीय गान की अवधि है 52 सेकंड। रेडियो एक्टिवता की खोज की थी हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध है शरीर हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टजन। किस धातु का उपयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देता है, काला। दूरबीन का आविष्कार किया है गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल चली है मुंबई से ठाणे के बीच।
भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा चली कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ हुआ था 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे तेंगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा सभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना था दक्षिण सूडान। विटामिन के की कमी से खून का रिसाव बंद नहीं होता। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो 343 अनुच्छेद। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? 4। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? हुए थे रियो जिनेरियो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव। विशाल हरियाणा हरियाणा पार्टी किसने बनाई? डॉक्टर राव बीरेंद्र ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? तो 44,212 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ जुड़ती है? चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तो तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती? पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ? छिप्रा। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? चांदी। गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मैथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, लोकमान्य तिलक साहब ने कहा था, ये नारा दिया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। अगला है क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है दंत मार्तंड। तुलसीदास किस रामचरितमानस हिंदी भाषा की किसी बोली में लिखी गई अवधि? हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस। 118 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? एंथेस यूनान में 1896 में। भारत में ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? 1980 मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसान स्विट्जरलैंड। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं? माइकल फिलिप्स अमेरिका के। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो जापान। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है करडम मलेश्वरी। बैक 130वां क्वेश्चन है, बैक टू द वेदास वेदों की ओर लोटो का नारा दिया था महर्षि दयानंद। इससे झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने की इसकी रचना? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? कैल्शियम की। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे। किस एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? डॉक्टर अमित सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस के। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमादी।
विश्व में मांग पर एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। जापान की जुनोको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का। देश की दिव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन नियम संबंधित है पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का घटक है मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स फेंसेफ 1837। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त। कौन मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने स्थापित की थी। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना आई 1951 में। चीनी यात्री हिंसेंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा में। कौन रक्त समूह स्रवदाता कहलाता है? ओ। मनुष्य शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मदा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किया है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति है तीसरा 30 लाख 3 लाख किलोमीटर सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस। प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूरी। स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। चार मीनार है हैदराबाद में। कुतुब मीनार है दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई। इंडिया गेट है नई दिल्ली। ताजमहल है आगरा में। आजाद हिंद फौज की स्थापना की सिंगापुर में है हुई थी। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में तो मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा दिया था नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम का नारा दिया है जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। मारो फिरंगी को नारा दिया मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में नहीं में है। देखना है जो कितना बाजू एक कातिल में है का नारा दिया राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर बोला जाता है कालिदास को। कंप्यूटर का पिता बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गगारियन रूस के। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। सन 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा है युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक हैं हेनरी डुनांट। हेमोग्लोबिन से कमी से होता है एनीमिया। भारत कोटला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य कौटिल। विवेकानंद स्मारक है कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में। दक्षेस में 8 मेंबर हैं भारत नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका मालदीव भूटान पाकिस्तान अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा लंबाई है 75-16 किलोमीटर। विश्व में अभ्यक का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में।
ग्रैंड टैंक रोड शेरशाह सूरी ने बताया है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरीबीरी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो विटामिन सी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, किस विटामिन की कमी से खून का धक्का नहीं जमता, तो विटामिन के है, विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्विक अम्ल, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो ए और ई, ई ए डी ई के हैं, मतलब ए ई डी के। साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा और जस्ता का, कैल्सीफ्रोल विटामिन रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी का, नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, कॉर्निया, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है माइटोकांड्रिया को, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा में, बोन मोरो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, स्फेगो मोनोमीटर का, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहा जाता है रोम को, रीड ओनली मेमोरी को, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हुई थी, तो 1907 सूरत अधिवेशन में, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया राजा प्रथम चोल ने, मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ अमरकोट के दुर्ग में, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप देश में आयोजित हुआ 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 था, तो ब्राजील में, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ, रूस में, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ था, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वसुदेव मावलंकर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, 370, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण करता है लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन है, अभी 2019 की बात करें तो अभी करंट जनवरी तक, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, एशिया, हैदराबाद किस नदी पर बसा है, तो मूसी, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मेक्सिको, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को, पनामा नगर किन दो महासागरों को जोड़ती है, प्रशांत सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, फूलों की घाटी बोला जाता है उत्तराखंड को, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, लेकिन योजना आयोग को स्थापित करके 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग आ गया है, ठीक है। आईने अकबरी के लेखक हैं अबू फजल, होप मैन कप किससे संबंधित है, टेनिस से, देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं, 24, भारत के सबसे पहले फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टीपी कान में होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर जांघ की हड्डी, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं, तो 639, RBC लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन, जंग लगने से बचाने के लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं जस्तीकरण या गलवेनीकरण, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, डिगबोई असम में, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए है, तो विज्ञान के क्षेत्र में, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण करवाया था कुलीब कुतुब शाह ने, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का विस्तार कब और कहाँ किया गया था, पारित तो सन 1929 में के लाहौर अधिवेशन में। 278वां क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है फेरी क्वीन, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा हुई थी चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसे मैग्नीज था, श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन, विटामिन की खोज की थी फंक ने 1911 में, फेटेन लेस स्टील किस की
की मिश्र धातु है तो आयरन, क्रोमियम निकल की, कांसा किसकी मिश्र धातु है तो कॉपर टीन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था तो 1893 में। जलियांवाला हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 में। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। महात्मा बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था तो सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन की अधिकतर किस अंग में होती है? छोटी आंत में। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। बाल पेन का सिद्धांत पर काम करता है पृष्ठीय तनाव। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत। राजस्थान में खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण। डीएनए की द्वि गुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन एंड फेक ने। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसीबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपिकल्चर। किस वेबसाइट के प्रथम पेस्ट को क्या कहा जाता है? होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर सेकंड। वह एकमात्र ग्रह जिस अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, शुक्र है। 331 से सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी? हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाली सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। सौरमंडल की वायु कितनी है? 4.6 अरब। उच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, हेली उच्छल तारा कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकंड। भारत ने अपने पहला परमाणु परीक्षण कब कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान मोनेजाइट। बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? भेल मछली। ब्लेड ग्रुप की खोज किसने की? लैंड स्टीनर। एल्यूमिनियम का प्रमुख एस कौन सा है? ऑक्साइड। पहला कृत्रिम उपग्रह है स्पूतनिक फर्स्ट। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम। रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। किस ग्रह को सांद तारा कहा जाता है? तो शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को कहा जाता है ध्रुवमंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। दूर से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाए जाते हैं? अक्केंद्रीय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमण कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन लौटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह है। भारत में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला। धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत जल है? तो 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश से। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। 347 है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? एथाइल मार्केटेन। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस है नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। किस देश में अगर से अलग होकर बस 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से। कंप्यूटर भाषा WWW का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? भट्टू केसव दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कॉमन वील पत्रिका का प्रकाशन किया था एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने सन नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? इलाहाबाद में। लॉर्ड पेलेजरी के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सबसे सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है भगत सिंह को। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियावाग हत्याकांड से जुड़े थे की हत्या की थी उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में किया गया था गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अब 25 हो गए हैं। अमरावती बन गया आंध्र प्रदेश का, ठीक है, पहले 24 थे, सॉरी अब 25 होना चाहिए, ठीक। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जी वी मावलंकर, वो वर्तमान में सुमित्रा महाजन जी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिंघा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। आपको बता दें मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः केरल से संबंधित। भारत नाट्यम नृत्य शैली है तमिलनाडु से संबंधित। कथकली है केरल से। केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहु उद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ था दामोदर नदी नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे बेमचंद बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की संघ की है। सुरक्षा परिषद की नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय नागरिक था रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। 81 में 381 मिड डे मील योजना शुरू की गई 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है हमार सोनार बंगला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को जो 1976 में हुआ था। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण यूज करते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक है हनी मैन। फलों को पकाने में एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है चैत। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते थे हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। यक्षगान किस राज्य को लोक नृत्य है? तो कर्नाटक। मैक मोहन रेखा है भारत चीन के बीच है। प्याज में खाद्य पदार्थ होता है तना। सेव्य परीक्षा में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य के लोक नृत्य है? तो बिहार। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदर वन डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था लोथल। किसे सितार और तबले का जनक बोला जाता है? अमीर खुसरो को बोला जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री होते हैं होते थे अब तो बंद हो गई। नीति आयोग आ गई 1 जनवरी 2015 से। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय थे मेहिर सेन। एक शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा है नायलॉन। पित्ती ध्वनि सुनने के लिए श्रोता परावर्तक के बीच की दूरी होती है 17
होनी चाहिए 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है? बैंगनी। वाहनों में हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल। और वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाने क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल, हरा और नीला को। वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। टंका धातु और या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन या व शीशा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग में है से संबंधित है? आँख। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है? वेलेंटाइना तेरेसुकोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन की पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। शनिवार वार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। पिलागिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3। मछलियों के कृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या फॉरेनहाइट 58.4 फॉरेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन सिलिकॉन की बनाई जाती है सिलिकॉन की। पारसेक खगोलीय दूरी मापने का इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसिपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर राजस्थान। पागल कुत्ते के काटने से होता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं और राष्ट्रपति 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं मैडम मैडम मैरी क्यूरी। सार्क का या दक्षिस का मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में। प्रथम परम वीर चक्र विजेता है मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं सरोजिनी नायडू। सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1901। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि जी ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। 449 से पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को। नासिक किस नदी के किनारे? गोदावरी के। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा है एन। इंडियन मिलिट्री अकादमी है देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध है टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़ग बासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुस्तक लिखी थी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में और नियमित जनगणना हुई 1881 में रिपन के काल में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल के एम करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोकनृत्य है? मणिपुर। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल। कोलकाता किस नदी के किनारे? हुगली। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित
किया गया था अमरावत अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े या 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है 80 से 120 मिमी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। रामचरित मानस लिखी है तुलसीदास जी ने। प्रथम एशियाई खेल कहाँ कब और कहाँ आयोजित किया गया था, मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है, बेरोमीटर। हरियाणा का पहला पहला महिला विश्वविद्यालय है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला में, सोनीपत में। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है, अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप हुआ है रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, 2। सर्वग्राही वृक्ष समूह है ये भी। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से शुरू। पेनाल्टी स्ट्रोक है हॉकी से संबंधित। भारतीय संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है, 10। मेघदूत की रचना की है कालिदास ने। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लेमेंट इटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, त्वचा को। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी, रॉबर्ट बार्डेन पोवेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत। पेनल्टी किक शब्द संबंधित है फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट। ज्ञान पीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, साहित्य। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। चलिए इसमें 500 हो गए, अगले पाठ में 500 देखें। दोस्तों हम बात कर रहे थे लूसेंट के 500 क्वेश्चन देख लिए थे हमने स्पेशल जीके के। अब अगले 500 में देखते हैं। 501 वाँ है अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ, तो 1961 में। भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है, नैनी से। मैगसेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। मोना लिसा किसकी विश्व ख्याति पेंटिंग है, लियोनार्डो दी विंची की। स्वान किस राज्य का लोक नृत्य में शामिल है, हरियाणा। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 हो गया, एक नया अमरावती 2019 से बन गया है, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला करता है लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन है अभी वर्तमान में। अंतिम मुगल सम्राट हैं कौन थे, तो बहादुर शाह जाफर द्वितीय। तमाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है, भूटान। गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से होती है, तो H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। भारत सरकार का संविधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, तो 42वीं संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, संसद सदस्य। विजय स्तंभ है चित्तौड़ में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस में है, किन दो शहरों को जोड़ता है, सेंट पीटर्सबर्ग से विलादी वोस्तोक तक। 519वां क्वेश्चन है अमरकंटक किस नदी पर उद्गम है, स्थल है नर्मदा। भारत में अगला है भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना बनाया था सूरत गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक लिखी है अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से। उड़न परी किसे पुकारा जाता है, पीटी उषा जी को बोला जाता है। झीलों की नगरी बोला जाता है उदयपुर को। आर्य समाज की स्थापना कहाँ और कहाँ की गई थी, मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को। अगला क्वेश्चन है 530। भाभा परमाणु
माडू अनुसंधान है टॉम्बे मुंबई में। 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। भारत की पहली आईपीएस थी किरण बेदी। कथक किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश। टीपू सुल्तान की राजधानी है श्री रंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? तो क्रिकेट। सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किया अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्ला खान का संबंध है वाद्य यंत्र शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है फिल्म से। एड्स का पूरा विस्तार है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एचआईवी वायरस से होता है। अगला है 543 जलियावाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल डायर ने दिया था? माइकल ओ डायर ने। पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान है पटियाला में। आगा खा हॉकी से संबंधित है शब्द। बांदीपुर अभयारण्य है कर्नाटक में। बांप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किया है इटली निवासी मार्कोनी ने। 551वां क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे था बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी श्री माओ भंडार नायके। श्रीलंका हड़प्पा की सभ्यता युग से संबंधित है कांस्य युग से। दीन एलारी धर्म किस मुगल सम्राट ने चलाया था? अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का विकिरण सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। भूमि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज की है एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज की है लुई पाश्चर ने। दूध से दही लैक्टोबैसी लस जीवाणु के कारण बनता। परास से तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय अभिखंडन। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनीन बनाई जाती है सेनकोना पौधे से। संसार का सबसे बड़ा फूल है रेपलेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काली। एटीएम का पूरा विस्तार है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। LBW शब्द है क्रिकेट से संबंधित। वायु की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस बौद्ध युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया? कलिंग युद्ध। भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। सालारंग जंग म्यूजियम है हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु जी पश्चिम बंगाल के, लेकिन अभी 2019 में 18 में बन गए हैं पवन सिंह जी। वो हैं पवन है वहाँ के सिक्किम के। ठीक है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। किस तापमान पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री। कांसा किसकी मिसाल है? तो तांबा और टिन। दलीप ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। एलपीजी का पूरा पूर्ण विस्तार है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रस पुस्तक लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर वर्ष होता है? एक तिहाई। हर 2 वर्ष बाद होता है एक तिहाई। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी पर के किनारे है? तो सरयू। जयपुर की स्थापना की थी आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित? फुटबॉल से। सन 1907 में गुरु शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया है? रुडयार्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री एब बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। सैमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। उड़ीसी
कि राज्य किस राज्य का राष्ट्र शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा है? 601 भांगड़ा बांध, भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो सतलज। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका से ने जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम कब कब गिराया? तो 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाले काल्पनिक रेखा क्या है? देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को, नथुराम गोडसे ने की थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? चावल। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़म के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है सुपचक। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल हरियाणा में। भगवान बौद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। 22 सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। 1526, 1556, 1561, 1556 सॉरी 1761 में तीन ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? पानीपत हरियाणा में, जिसे पानीपत का पहला दूसरा तीसरा युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 618। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? आंध्र प्रदेश में 2014 में बनाया गया था। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा शहर है? अरब सागर। 614 है यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1995 में। शिक्षा की कैडर गार्डन पद्धति है भोपाल। NCERT की स्थापना हुई 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? अकबर। कौन 4 वर्ष तक अखबार के संरक्षक रहा है? बैरम खान। पंडित रवि शंकर का संबंध है सितार से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध है हॉकी से। उत्तरी भारत में सदियों में वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। देवधर टराफी का संबंध है क्रिकेट से, खेल से। रूस की मुद्रा है रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? लूथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थ का है शब्द। अगला है 627 क्वेश्चन। गौतम बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी जो नेपाल में। भगवान बौद्ध जैन धर्म के 24वें तीर्थ कहते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर है? महानदी पर। बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं? 2। लैंड का विस्तार है लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बौद्ध की मृत्यु हुई थी कोशीनगर में। गोवा पुर्तगाल शासन से आज़ाद हुआ था 1961 में कराया गया। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसमें परिणाम अंग्रेजों को बंगाल बिहार उड़ीसा पर अधिकार हो गया था 1764 में सॉरी 1764। क्लासी का हुआ था 1754। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1773 में। अगला 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? बर्मा म्यांमार में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 में। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सातवां। भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 2933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। जनगणमन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? विलियम जॉन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम हुआ था पहली बार हुआ था 14 बैंकों का 1969 में। दूसरी बार 6 बैंकों का हुआ था 1980 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की तक आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। 649 से किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को 1978 में। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। भारत पाक रेखा सीमा किस नाम से जाना जाती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत में एकमात्र शक्य ज्वालामुखी है बेरन द्वीप अंडमान निकोबार में। भारतीय राज्य की 2 राजधानी हैं जम्मू कश्मीर की, जम्मू और कश्मीर की। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का।
विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर राव हैं। भारत श्रीलंका के बीच कौन खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। देश की समुद्री रेखा सबसे बड़ी है? कनाडा की है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन। म्यांमार। बर्मा की मुद्रा कौन सी है? क्वाड। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होता है? जोमंडल। संसार का सबसे बड़ा महासागर है? दक्षिणी चीन सागर। गौतम बौद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गह दया की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन नेपाल भूटान से मिलती है? सिक्किम। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। महान चिकित्सक चरक किस के दरबार में थे? तो कनिष्क। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाता है? श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठा और अब्दस अहमद शाह अब्दाली। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बॉन्ड बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक रही? 3 मास। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। संगमरमर की किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर असहयोग आंदोलन? चलिए 681 वां है हमारा। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट। अगला है जैन अवस्था के धर्म की धार्मिक पुस्तक है पारसी। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। प्रकृति में पाई जाने वाली कठोरतम पदार्थ है हीरा। समुद्र जल में लवण की औसत मात्रा होती है 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 BC में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? 2 साल 11 माह 18 दिन में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? अमेरिका संविधान। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356 अनुच्छेद है, धारणी 356 अनुच्छेद के तहत। 692 वा क्वेश्चन है, प्रोटोन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। 693 वा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में। गौतम बौद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती? महापरिनिर्वाण निर्वाण निर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब कहाँ और किसके काल में हुई? तो 483 BC राजगृह अजातशत्रु के काल में। सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास मैदान है अफ्रीका में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वीं संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा। किसी राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? 80। उत्तर प्रदेश में। भगवान महावीर का जन्म हुआ कुंडा गांव वैशाली में। चौथी बौद्ध काउंसिल बनी 98 AD कोंडल वन कश्मीर कनिष्क काल में। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो 23.5 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर बिहार में। 23वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पढ़नी ने। बल्ब का फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किस संरक्षण में हुई?
तो 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए? बौद्ध धर्म, पाली में। अगला है 715 क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण। 717 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324। 42वें संविधान संशोधन द्वारा दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, धर्म निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता, तीन शब्द जोड़े गए थे, ठीक है, दो शब्द हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव, वित्त मंत्रालय के। 720 है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि होती है 6 माह। ऋतु संगा, कुमार संभव, रघुवंशम की रचनाएं हैं कालिदास की। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 19%। जिम कार्बेट नेशनल पार्क है नैनीताल के पास उत्तराखंड में। बर्डी, ईगल, बोरी, बोगी, पार, टी, हॉल एंड वन शब्द किससे खेल से संबंधित है? गोल। सांवर झील किससे जिससे नामक बनता है राज्य में है? राजस्थान में। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? चंदेल ने, ये MP में, छतरपुर में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? 1336 में हरिहर बुक्का ने। घना पक्षी विहार है भरतपुर राजस्थान में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण गुजरात में। मीन कैंप, मीरा संघर्ष किसकी जीवनी है? अडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। कौन अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा असम। अगला 738, रिपब्लिक पुस्तक है प्लूटोनल की। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 में। ओलंपिक खेलों में होली हॉकी कब शामिल की गई? तो 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। शेरशाह सूरी ने को कहाँ दफनाया गया था? सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में बंधक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? पानी, भारी पानी, ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। NCC की स्थापना भी 1948 में। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोंग या गरसोप्पा जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 385 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान है कोलार कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकंड। पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा, मध्य प्रदेश में। नील नदी का उपहार कौन देश कहलाता है? मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया है अटल बिहारी। जय विज्ञान जय विज्ञान जय किसान, सॉरी इसका बाद में बता देते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी है इसमें, लेकिन सही नहीं है मुझे लगता है। घना देश यहाँ, सॉरी काट देना, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। घना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। अमेरिका की खोज हुई 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 में। सापेक्षता का सिद्धांत की खोज की है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायु यान की खोज किसने की? तो ओलिवर बिलीवर राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका में। 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है रोम। सक संबत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 में।
रेडियम की खोज किसने की? पीरे एंड मैरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? 165 मीटर। किस ग्रह के चारों ओर बलय है? शनि। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। सफेद हाथियों का देश है थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया। सुंदर लाल बहुगोड़ा का संबंध किस आंदोलन से? चिपको आंदोलन से। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तेनजिंग नॉर्के, भारत, एंड मंड हिलेरी, न्यूजीलैंड। पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। अमेरिका 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 के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण हुआ बिस्मार्क किसने किया था? बिस्मार्क ने। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित? सर किससे संबंधित थे? सैयद अहमद खान से। सैयद अहमद खान से। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी? तो जहांगीर ने। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन था? गोवा। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई थी? दिवाली को। कादम्बरी किसकी रचना है? वाणभट्ट की। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन में। पेंसिल की लीड किससे बनी होती है? ग्रेफाइट। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में? बाह्य में। रिवर्स फिलिप का संबंध है हॉकी से। शुष्क सेल अमोनिया में होता है, क्या होता है? अमोनिया यम क्लोराइड। मानस अभयारण्य है असम में। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश में? तो भारत में। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने। गांधी इरविन समझौता हुआ 3 मार्च 1931 को। भारतीय संघ का राष्ट्रपिता किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण। पश्चिमी और पूर्वी घाट किस पहाड़ियों में मिलते हैं? नीलगिरी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 1 सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 66 फुट। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ है? राई, सोनीपत में। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ होती? ताशकंद में। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? संस्कृत में। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर को की किसने लंदन में हत्या की थी? तो ऊधम सिंह ने। 805 सत्य शोधक समाज की स्थापना की है महात्मा ज्योतिबा फुले ने। टोडा अंगला 6 टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती थी? तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म है चंदावल। असम का पूरा नाम है कामरूप, पुराना नाम है कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया? 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है? सल्फर। केंद्र राज्य संबंध में कोई अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? सहकारी आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? एडविन ल्यूटन, इंग्लैंड के। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच गेहूं के चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? शुद्ध ग्रह, शुद्ध ग्रह। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होता है? भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै, तमिलनाडु में। अगला, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाई डोफोबिया। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी। दी सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? नर्मदा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक मूंगफली गुजरात में पैदा होती उत्पादन होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है जम्मू, लेह, जम्मू कश्मीर। कौन गए पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? शुक्र। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मैथेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरल। 1984 में भोपाल गैस त्राही किस गैस के रिसाव से हुई थी? मेथाइल आइसोसाइनाइड। साइनाइड नाइट
तो राज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया महर्षि दयानंद ने। विलय की नीति किसने लागू की? तो लॉर्ड डलहौजी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से? भू राजस्व व्यवस्था से। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। पोलियो के टीका की खोज किए जोनास साल्क ने। कर्नाटक के सेवर्ड बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? गोमतेश्वर। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? अमेजन। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? खरीफ। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया? नेकचंद ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुप्रिया झील। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध है कुश्ती से। प्रथम स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 46 अंग्ला स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का एकीकरण के लिए उत्तरदायी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। कूका आंदोलन है गुरु राम सिंह से संबंधित, किसने चलाया था? मतलब गुरु राम सिंह ने। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान। गुरु तेज बहादुर की हत्या की करवाई थी औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया ताजमहल। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर के। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव की। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की है गुलबदन बेगम ने। 56 किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया? राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर है पुरी उड़ीसा में। तरान का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में। सुन की खोज की है आर्यभट्ट ने। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने किया। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष बाद। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो हरिद्वार 4 स्थानों पर लगता है। हरिद्वार गंगा किनारे, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन छिप्रा पर, नासिक गोदावरी। 67 है 867। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद कौन नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगा? हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन है? 9। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो 1972 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेल गाड़ी कौन सी थी? समझौता बथार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब बनी? 1925 में डेक्कन क्वीन। भारत में कौन कुल रेल मार्ग की लंबाई है? 63,974 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है लद्दाख। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमच्छादित बर्फ से ढका है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पृथ्वी अगला है। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो 29.2%। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चा तीबू द्वीप और न्यू म्यूर द्वीप पर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3,324 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का। भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? टेथिस नामक सागर। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? जिम कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार केरल। लाहौर दिल्ली बस सेवा
क्या कहलाती है? सदाई सरहद। कोयला की सर्वोच्चतम किस्म कौन सी है? एंथेसाइट। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। ऑपरेशन फ्लैट कार्यक्रम के सूत्रधार थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के। फुटबॉल ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? पेले को। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर। गेमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज। क्रिकेट पिच पर प्रोपिंग क्विज और स्टाम्प के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फुट। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? ब्राजील ने। 901 है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु इसरो का। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम में। वन अनुसंधान कहाँ है? देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? दक्षिणी गंगोत्री। एलिसा परीक्षण केंद्र किस रोग के पहचान के लिए? एड्स रोग के लिए। हवाई जहाज ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग है? नारंगी। खुर पर पक्का हवा मुंह पक्का रोग किससे संबंधित है? गाय और भैंस। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? बिट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? 27.78%। 911 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंग अनुपात है 940। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के प्रति 1,000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? हरियाणा में। 2013 क्वेश्चन है 913। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? बिहार में। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय है देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमादी कहाँ है? आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता व अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस वस्तु को लिया गया? पांडा को। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता है रे टॉमलिंसन। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से? तीरंदाजी से। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल कितनी भाषाओं में लिखा रहता है? 17 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया है कार्ल मार्क्स ने। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की राज क्रांति। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे माना जाता है? मैग्सेस पुरस्कार को। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस होती है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में गैस संख्या है 8। जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। जल का सूत्रतम रूप कौन सा है? वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत। रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? आयनमंडल। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में जुड़े उठते हैं? समताप मंडल में। झोम मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीनों में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्मा राम पंडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना की मदर टेरेसा। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटी गेल। कौन गैस जलने में सहायक होती है? ऑक्सीजन।
उनचास 949 वायुमंडल का कितना भाग 30 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 57%। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। 91वां क्वेश्चन है, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां और सलीम उल्ला खां ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो 1854 में। बंगाल बिहार उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? हुमायूं की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? गुजरात विजय में। भू राजस्व की दयशाला पद्धति किसने लागू की? अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई? औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायस राय था लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व होता है? निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 मास। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम। हीलियम मानव शरीर में हृदय बैंक का कार्य कौन अंग करता है? तीली या पीलिया स्विलियन। गाय के दूध का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। विश्व में एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया? मैडम भिखारी कामा ने। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था राजा राम मोहन राय ने। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टिन और शीशे की मिश्र धातु की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे.जे. थॉमसन। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार किया ओटो हान। इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइकोम। हेमटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? लोहा के। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की गई? तो 1971 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था मौलाना मोहम्मद अली ने। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला हत्याकांड के बाद। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है टोक्यो। सफेद रक्त कण का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगला है 986। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास। चांद बेबी का कहाँ की शासक थी? तो अहमदनगर की। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। मैराथन दौड़ दूरी कितनी होती है? 26 मील 385। 26 मील 385 गज। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन। तुल बुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम पर। 993 में लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? 1/10। 994 भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। 995 किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी। 996 लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% प्रतिशत पर। अगला है 998। भारत के पूर्वोत्तर के राज्य में जंगलों को काट कर जो खेती की जाती है वह झूम खेती कहलाती है। 999 भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। 1000वां है टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने। चलिए हमने लूसेंट से 1000 क्वेश्चन जो मैन मैन निकाले थे वो 3 पार्टों में खत्म कर दिए हैं। चलिए इस लेक्चर को यहीं बंद करते हैं।